दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर कुछ भी टाइप करें तो उसके बदले में यहाँ पर किसी को कॉल लग जाए, या फिर आप चाहते हो कि जैसे ही मतलब कोई ऐसा टाइप करे तो यहाँ पर आपका व्हाट्सअप खुल जाए? जैसे कि चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर एक पॉपअप शो हो रहा है, हमको सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मेरा कुछ स्क्रीन इस तरह से हो जा रहा है और मैं यहाँ पर टाइप करें W। जैसे हम W टाइप करें तो मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप ओपन हो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर S टाइप करेंगे तो मेरा यहाँ पर सेटिंग खुल जा रहा है, और जैसे हम यहाँ पर I टाइप करते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम खुल जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हो ऐसा करना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। दोस्तों, ये सेटिंग आप किसी भी सेटिंग पे कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी को कॉल लगाना है तो आपको सिंपली से ये सारा चीज आप लोग किसी तरह से ऐड कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सारे सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे जाके आपको कॉमेंट में लिखना है जी, लिख के उसके बाद कॉमेंट आपको कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना है ताकि हम ऐसा वीडियो कभी भी लाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर में जाकर सर्च करोगे गेस्टर तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से इसे ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर गेट स्टार्ट का एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे अलाउ करना होगा कुछ इस तरह से, उसके बाद ये लेके चला जाएगा डिस्प्ले ओवर से सेटिंग में। तो आपको यहाँ से इसे ऑन करना होगा, फिर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद फ्लोटिंग बटन को भी आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद ऊपर की ओर स्वाइप अप करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो चीज़ से जैसा सेटिंग करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो दोस्तों, बता दें कि आपको नया ऐप कहाँ से ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिएगा तो ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिक से आ जाएगा। तो आपको सिंपली से आपको इस पर एक बार टैप करना है। जैसे आप एक बार टैप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज गेस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर वाले में, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको गेस्टर बना लेना है, जैसे कि हम अब यहाँ पर बनाते हैं वाई। जैसे कि वाई से हम अपना यूट्यूब अपना सेट करना चाहते हैं तो अपना हम यूट्यूब कुछ इस तरह यू लिख के इसका नाम यहाँ पर सेव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पूछ रहा है ये यहाँ पर वाई लिखने से क्या लॉन्च करें, तो आपको यहाँ पर लॉन्च ऐप का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या सेट कर देंगे, यूट्यूब अपना यहाँ से सेट कर देंगे, यानी कि हम जब भी यूट्यूब यहाँ पर सर्च करेंगे तो बस केवल हमें वाई लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको लाइव करके दिखा देते हैं। यहाँ पर सिंपली से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम वाई सर्च करेंगे तो मेरा यहाँ पर यूट्यूब काफ़ी आसानी से खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब कितना अच्छा से खुल जा रहा है। तो ये काफ़ी आसान है, आप लोग इसे ऐसे ही यूज कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।